कृपया आप हमें बताएंगी, मनोरोगों की चिकित्सा यज्ञोपैथी द्वारा संभव है? यज्ञोपैथी के द्वारा हर मनोरोग का इलाज पूर्णतया संभव है। मनोरोग जैसे OCD, सिज़ोफ्रेनिया, मिर्गी के दौरे, इन सभी बीमारियों में पाया गया है कि यज्ञोपैथी काफ़ी लाभकारी रही है। सामान्य चिकित्सा के द्वारा इन सभी मनोरोगों में थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा आराम तो मिलता है, परंतु संपूर्ण आराम नहीं मिल पाता है। कृपया हमें बताएं OCD क्या है? OCD एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसमें रोगी एक ही क्रिया को बार बार करने के लिए बाधित हो जाता है। उसको जो सत्य है वो असत्य लगता है, जो असत्य है वो सत्य लगता है। कुछ लोगों को बार बार हाथ धोने की एक डिसऑर्डर हो जाता है, वो जल्दी जल्दी कुछ भी करते हैं, बार बार हाथ धोते रहते हैं, एक ही क्रिया को वो बार बार रिपीट करते हैं और इसी से वो परेशान रहते हैं। OCD के लिए हमें कौन कौन सी औषधियों का प्रयोग करना चाहिए? इसके लिए बहुत सारी हवन सामग्री में औषधियाँ मिलाई जाती हैं, जिसमें मुख्य हैं ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, शतावर, गिलोय, अश्वगंधा, मीठी बच इत्यादि। और इसका विस्तृत वर्णन हमारी यज्ञ चिकित्सा एक पुस्तक है, उसमें दिया गया है, उसमें आप नोट कर लें। इसको हमें किस तरह से मिश्रण बना के उपयोग में लाना चाहिए? हाँ, इसके लिए आप एक नॉर्मल हवन सामग्री आती है उसका एक पोर्शन ले लें, और इस जो विशेष हवन सामग्री है इसका एक सामान्य बराबर पोर्शन लेकर के इन दोनों को मिला करके इसमें गुड़ और देसी घी गाय का मिला करके और हवन करना चाहिए। सुबह और शाम 24 गायत्री मंत्र के साथ सुबह हवन और 5 आहुतियाँ विशेष महामृत्युंजय मंत्र की डाली जाएंगी। इसमें यदि रोगी बैठता है सुबह शाम तो उसको आशाजनक उसके स्वास्थ्य में सुधार होता है। दैनिक हवन में हमें जो सामान प्रयोग करना है उसमें एक हवन कुंड चाहिए होता है, तांबे का इस प्रकार का। उसके बाद थोड़ी हवन सामग्री चाहिए होती है। समिधा के लिए हम नारियल के पतले पतले स्लाइसेस का उपयोग करते हैं और एक घी में डूबी हुई बत्ती है। इस घी की बत्ती को हम पहले नीचे हवन कुंड में बीच में लगाते हैं। इसके चारों तरफ समिधाओं को हम अरेंज करते हैं। अब इसमें अग्नि प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित अग्नि में 5 आहुतियाँ गायत्री मंत्र के साथ डालेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रै इदं नमः।
तीन आहुतियाँ महामृत्युंजय मंत्र के साथ डालेंगे सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ। ओम त्रयम्बकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्रयम्बकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्रयम्बकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।